देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की समीक्षा बैठक, पौड़ी की 6 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की ली जानकारी, घोषणाओं की रिपोर्ट को भी खंगाला। देहरादून में कांग्रेस कार्यकारिणी सम्मेलन का हुआ आगाज, प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र, पार्टी की मजबूती पर की गई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में दावेदारियों का दौर शुरू, विधायक वंशीधर भगत ने नैनीताल से चुनाव लड़ने की पेश की दावेदारी, कहा कि अगर मौका मिला तो पूरी मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। अतिक्रमण के लिए बस्ती न उजाड़ने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने की सीएम से मुलाकात, सीएम ने विधायकों को दिया आश्वासन, सरकार नहीं उजाड़ने देगी किसी भी गरीब का छत। उत्तरकाशी में बीडीसी बैठक का प्रधान संगठनों ने किया बहिष्कार, पंचायत राजमंत्री के खिलाफ किया हंगामा, पंचायती एक्ट आने की जानकारी नहीं मिलने का विरोध। और अल्मोड़ा में जिला पंचायत की बैठक में मांग को लेकर सदस्यों ने किया हंगामा, बैठक में आधी अधूरी जानकारी दे रहे थे अधिकारी, सदस्यों की सदस्यता का भी जवाब नहीं दे पाए अधिकारी। पॉलिटिक्स शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सरकार की योजनाओं पर कितना काम हुआ है और कितना रुका हुआ है, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी की 6 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम की घोषणाओं की रिपोर्ट ली। रुद्रप्रयाग विधानसभा में सीएम की 21 घोषणाएं पूरी हुई हैं, 20 घोषणाओं पर काम चालू है। वहीं थराली विधानसभा में 23 घोषणाएं थी जिसमें 4 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 20 घोषणाओं पर काम हो रहा है। तो आपको बता दें कि पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक लिया। बैठक के बाद सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, कितना काम हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया है और इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा भी किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी की 6 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने जो जो घोषणाएं हुई थी उसके रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी लिया। साथ ही रुद्रप्रयाग विधानसभा में मुख्यमंत्री की 21 योजनाएं पूरी हुई हैं और 20 घोषणाओं पर काम चालू है। वहीं अगर बात किया जाए थराली विधानसभा में तो 23 घोषणाएं थी जिनमें से 4 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 20 घोषणाओं पर काम हो रहा है। तो आपको बता दें सरकार की योजनाओं पर कितना काम हुआ है और कितना सरकार ने काम किया है, क्या कुछ खाका तैयार हुआ था, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी की 6 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम की घोषणाओं की रिपोर्ट मांगी गई थी। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में सीएम की 21 घोषणाएं पूरी हुई हैं और 20 घोषणाओं पर काम चालू है। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकारी सम्मेलन बुलाया गया। इसमें भाग लेने के लिए उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत देहरादून पहुंचे। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के लिए बुलाए गए सम्मेलन में AICC और PCC के मेंबर समेत राज्य के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। वहीं अनुग्रह नारायण सिंह ने बताया कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो आए हैं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस काम को बखूबी करेंगे। कार्यकारी सम्मेलन के दौरान लगातार व्यवस्थाएं भी देखने को मिली और जो व्यवस्थाएं की गई उसमें अव्यवस्था भी देखने को मिला। वरिष्ठ नेताओं को बैठने से लेकर स्वागत सम्मान में एक दूसरे से तल्खी नजर आई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इस तल्खी की बात को नकार दिए।
तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कार्यकारिणी की सम्मेलन में बैठक का एक आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अनुग्रह नारायण सिंह ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी दिया। सम्मेलन में देखने को मिली अव्यवस्थाएं। तो उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यकारी सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भाग लेने के लिए उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी देहरादून पहुंचे, जहां पर सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के लिए बुलाए गए सम्मेलन में AICC और PCC के मेंबर समेत राज्य के कई विधायक मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रियांक वशिष्ठ हमसे जुड़ रहे हैं। प्रियांक, कांग्रेस में जान फूंकने की पूरी कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े नेता मंच साझा कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए सर, अब कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी एकजुट नहीं दिख रही है। स्थिति ये है कि जैसा कि हम मैंने पहले भी कहा था कि चार दलों में कांग्रेस बढ़ चुकी है और स्थिति बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। मंथन की बात करें हम, अगर बैठक की बात करें, तो इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि 2019 के चुनाव सामने हैं। हाँ। और ऐसे में अगर एकजुट अगर कांग्रेस नहीं होती है तो वो अपने आप में एक संकट गहरा सकता है, क्योंकि पांच जो लोकसभा सीटें हैं, पांचों सीटों पर अभी भाजपा के सांसद काबिज हैं। तो इस बात से अंदाजे लगाया जा सकता है कि चुनौतियां प्रीतम सिंह के सामने बहुत बड़ी हैं। एक तरफ अगर मैं बात करूं संगठन की, तो दूसरी तरफ अगर सदन के अंदर की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो उन पर भी जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में सवाल खड़े कर रहे हैं कि मजबूती से सदन के अंदर वो जो प्रतिपक्ष का जो जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। सदन के अंदर किसी तरीके से कोई बात इस तरीके की निकल के नहीं आती है कि ये लगे कि विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है, जबकि अगर हम बात करें कांग्रेस जब सत्ता में थी तो विपक्ष में जब भाजपा थी तो भाजपा पुरजोर विरोध करती थी कई मुद्दों का जो कि जनहित के नहीं रहते थे। तो जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इस बात को लेकर लगातार जो है अपने जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, उनके सामने इस बात का अपना दुख बयां कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो अंदरूनी स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। कई सीटों से 11 सीटों पर सिमट के कांग्रेस रह गई है। तो लगातार एक के बाद एक जो हार का सामना जो है वो कांग्रेस को देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसमें मंथन के जो चल रहा है उसमें कार्यकर्ताओं और जो पदाधिकारी हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। प्रियंक, खबर ये भी है कि बैठक के दौरान अव्यवस्था भी देखने को मिली, किस तरीके की अव्यवस्था की बात हो रही है? देखिए अव्यवस्था की, दरअसल अव्यवस्था का जो मसले की बात करें तो जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं उनको अब जाके मौका मिल रहा है, क्योंकि सुबह 11 बजे से बैठक हो गई थी तो अब 5-6 घंटे बाद उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है मंच पे। वहीं कई ऐसे नेता थे जिनका कि नाम कहीं बहुत ज्यादा जो जिनका कद कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उनको मंच पे जगह दी गई, उनको मंच पे बोलने का मौका दिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल जो है, ये बड़े नेता अब कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके ओर इशारा करते हुए उठा रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनकी अनदेखी न की जाए और जो कांग्रेस को समर्पित लोग हैं, जो डेढ़ दशक से कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को उठाने वाले लोग हैं, जो उत्तराखंड में 18 सालों से कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं, उनको पहले तवज्जो दी जाए, बल्कि जो और नए कार्यकर्ता हैं, नए नेता हैं, उनको प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। तो इस बात की नाराजगी और अव्यवस्थाएं भी यहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम में जरूर देखने को मिली। चलिए प्रियांक वशिष्ठ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकारी सम्मेलन बुलाया गया। इसमें भाग लेने के लिए उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव
हरीश रावत मौजूद रहे। आपको बता दें कि सम्मेलन में प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के लिए बुलाए गए सम्मेलन में AICC और PCC के मेंबर समेत राज्य के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। वहीं अनुग्रह नारायण सिंह ने बताया कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए